टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ तो उनकी वजह से होने वाली बीमारी जिसको हम हीट सिंड्रोम कहते हैं उसका रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। हीट सिंड्रोम में मेनली हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, हीट एडिमा, हीट एग्जोशन, हीट एग्जेशन शामिल होते हैं। अगर हम बात करें हीट क्रैम्प्स की तो आपके हाथ, पैर, एब्डोमन या वो मसल्स जो आप एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन फील होता है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो ओल्ड एज, बच्चे या वो लोग जो ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं जैसे कि लेबर, आर्मी, पुलिस, कोई बंदा अल्कोहल लेके बाहर पड़ा है धूप में वो, या फिर कोई बंदा पहले से मेडिसिन ले रहा होता है जैसे कि डायोरेटिक्स, तो उन लोगों को काफ़ी खतरा होता है। इससे बचने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 11 to 4 बाहर नहीं जा रहे हैं, इस दौरान आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका कोई पार्टनर आपके साथ होना चाहिए, आपका फ्लूड इंटेक इस दौरान बहुत अच्छा रहना चाहिए, पानी के साथ आप इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जो क्लोथिंग है वो बहुत लूज़ फिटिंग होनी चाहिए। अगर आपको हीट क्रैम्प आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ठंडी जगह पे जाना है, अगर आपके पास पानी सॉल्ट्स वगैरह अवेलेबल है तो आपको वो पीना है, या स्पोर्ट्स ड्रिंक अवेलेबल है तो वो पीना है। तीसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस मसल में आपको स्पाज्म हो रहा है उसका मसाज नहीं करना है, बिकॉज जब आप उसको मसाज करते हैं तो उससे निकलने वाली हीट स्पाज्म को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर आपके क्रैम्प्स कंटिन्यूस हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में जाके अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉर्मल यूरिन रूटीन टेस्ट करा सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कैप्शन पढ़ सकते हैं।